सुनन नगर परिषद में हाउस का आयोजन किया गया। हाउस की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने की। बैठक में उपाध्यक्ष मीरा आनंद और पार्षद विशेष रूप से मौजूद रहे। नगर परिषद बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। सोलन नगर को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए पार्षदों के सुझाव मांगे गए। वहीं शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कूड़ा दानों के समीप कैमरे लगाने का निर्णय भी लिया गया, ताकि गंदगी फैलने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी अमल में लाई जा सके। अधिक जानकारी देते हुए नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने कहा कि शहर में घर घर से कूड़ा उठाने की योजना बिल्कुल निशुल्क चल रही है, लेकिन फरवरी माह से अब सभी शहरवासियों को 50 रुपए सफाई शुल्क देना होगा। वहीं जो कूड़ा उठाया जाएगा वह NGT के दिशा निर्देशों के अनुसार छांट कर उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही शहर को कूड़ेदान मुक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, और यह भी निर्णय लिया गया है कि जिस घर का कूड़ा 100 किलो से ज्यादा होगा उसे कूड़ा उठाने का प्रबंध खुद करना होगा। आज जनरल हाउस की मीटिंग थी, मेजर निर्णय था वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में था कि जो कूड़ा करकट घर घर से उठाते हैं वो सेग्रीगेट करके आना चाहिए था। दूसरा निर्णय ये लिया गया कि जो 100 किलो से ज़्यादा जिनका वेस्टेज निकलता है वो उसका प्रबंध अपने आप करेंगे, नगर परिषद उसको नहीं उठाएगी। इसके साथ ही हर घर पर अब 50 रुपये प्रति माह कूड़ा करकट उठाने के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा निर्णय लिया गया है। तीसरा जो मेजर निर्णय लिया गया है, सभी पार्कों की दशा को सुधारा जाएगा। हर वार्ड में पार्किंग, पार्क और पानी के टैंक की व्यवस्था करने के लिए DPR तैयार की जा रही है।